तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति जारी है। गाजीपुर से लेकर आगरा तक यूपी पुलिस जिस तरह अपराधियों पर एक्शन ले रही है उससे साफ है कि यूपी में कानून का इकबाल बुलंद रखने की पूरी तैयारी है। हालांकि विपक्ष जाति के हिसाब से एनकाउंटर के दावों को हवा दे रहा है और एक बार फिर जाति का यही जिन सुलग रहा है। अपराध की एक ही सजा, पैर तन से जुदा। खुद के पैरों में चलने में नाकाम ये शख्स पुलिस कर्मियों के रहमो करम पर जीने को मजबूर है। इस हालत की वजह ये खुद है। नॉनस्टॉप तमंचे पर डिस्को करके भी जब इसके पैर नहीं रुके तब पुलिस ने धाए धाए कर इसकी गर्मी शांत कर दी। इसका नाम संदीप यादव है और इस बदमाश के एनकाउंटर पर सियासत गर्म हो उससे पहले इसके गुनाहों की वीडियो गवाही भी देख लीजिए। तस्वीरें यूपी के गाजीपुर की हैं, जहां एक टेंट व्यापारी की दुकान पर 20 से 25 हथियारबंद बदमाशों ने फायरिंग की, इलाके में दहशत फैला दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक फोर व्हीलर और दो टू व्हीलर से लोग टेंट हाउस से बाहर रुकते हैं और टेंट हाउस पर हमला बोलते हैं, वहां फायरिंग करने लगते हैं, दुकान पर पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। टेंट हाउस के मालिक ने शटर बंद कर किसी तरह अपनी जान बचाई। इलाके में दहशत का माहौल बनाकर बदमाश बेखौफ होकर यहां से निकल जाते हैं। बताया जा रहा है कि 12 सितंबर को टेंट हाउस में फायरिंग संदीप यादव के नेतृत्व में ही की गई थी, जो हिस्ट्री शीटर बदमाश भी है। 14 सितंबर को पुलिस एक्शन मोड में आई। दो लोगों की गिरफ्तारी के साथ मुख्य आरोपी संदीप यादव पुलिस एनकाउंटर में घायल हो जाता है। अपने को दोनों तरफ से घेरा हुआ पाकर उक्त व्यक्ति के द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई और आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा भी उस संदिग्ध व्यक्ति के ऊपर फायरिंग की गई। फायरिंग में उस व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी है। मंगेश यादव एनकाउंटर के बाद से विपक्ष योगी सरकार पर जाति आधारित एनकाउंटर के तीर छोड़ रहा है। इस बार भी आरोपी यादव ही है, लिहाजा विपक्ष के सुर बुलंद हो उससे पहले बीजेपी के सहयोगियों ने मोर्चा खोल दिया है। अपराधी गोली चलाएगा। अभी अपराधी लेके 47 घुसे है, तब कहां भाग के जाएंगे हम। विपक्ष के जाति आधारित एनकाउंटर के दावों की पोल खोलती इस तस्वीर को भी देख लीजिए, जहां पुलिस के जवाबी कार्रवाई में बदमाश देवेंद्र घायल है और अब पुलिस की मदद से चलने को मजबूर है। आरोप है कि बदमाश देवेंद्र खनन माफिया भी है और हाल ही में इसने एक सिपाही को गोली मारी थी, लेकिन अब पुलिस ने इसे ऐसी गोली दी है कि फिर ऐसी हरकत करने से पहले ये अपने पैरों को जरूर देखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.